तो दोस्तों आज पता चला कि अनाथ होना कितना बड़ा श्राप है। पिताजी रहते तो हम लोग चारों भाई एक तो बिखरे नहीं होते और हर एक खुशी गम में एक साथ होके हर एक प्रॉब्लम को चारों भाई मिल के सॉल्व करते, लेकिन किस्मत कहाँ से कहाँ ले आया। चलिए फिर भी हम लोग खुश हैं, एक तो खुशी है कि हम चारों भाई का घर कैसे भी बस गया, बस अपने मेहनत मजूरी से करके अपने अच्छे राह पर चलते हुए अपने घर परिवार के साथ खुश रहना है। अब बाकी थोड़ा बहुत होनी अनहोनी तो होती रहती है, तो चलिए अभी। तो नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब आदमी अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। सबसे पहले बड़ों को पार्षद को प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो हम लोग गुड मॉर्निंग से शुरू कर रहे हैं, देखिए बच्चे तैयारी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, अब इन लोग को बाल झाड़ेंगे। गुड मॉर्निंग से शुरू कैसे होता है? सुबह सुबह। हाँ अच्छा अच्छा। तो चलिए आज के वीडियो ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के मौसम का लुक है कि शरीर में इतना काम करने का क्षमता प्राप्त हो रहा है। हाँ तो क्या क्या काम करेंगे वो सब इस ब्लॉग में दिखेगा। अपने सपनों को और भी सपनों को घर को और भी सुंदर करने वाले हैं ना जी, कि आकाश के बर्थडे का टाइम आपको ज़्यादा दिन नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा फुल वॉच करके देखिए और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी देख सकते हैं हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ है तो सोच रहे हैं कि अपने किचन को ही रेडी कर लें। तो इतना सब कलर कर दिए हम दोनों आदमी मिल के, आ उसके बाद ये खिड़की हटा दिए, वो बहुत बेकार दिख रहा था, इसके लिए चलिए मैं उधर बनाता हूँ। कुछ मत बनाइए। नहीं फिर जब आएगा तो वहाँ हटा लेंगे। अच्छा पर्दा है तो लगा दीजिए, मैं इसके लिए ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ अगर हो जाता है तो, नहीं तो पहले धुलेंगे ना जी, सजाते हैं। आप लोगों को थोड़ा भी कमी दिखे हमारे किचन में तो उसको कमेंट बताइए, उसको हम लोग अच्छे से और सुधार करेंगे। हमें लाइट नहीं है, लाइट सब में है, ये एमसीबी ऑफ कर दीजिए। एमसीबी ना हाई देखो हाई तार दूर। हाँ अब इसमें भी लाइट है, अब एमसीबी ऑफ हो गया, अब लाइट नहीं, वो इन्वर्टर से जलने लगा। तो देख सकते हैं फाइनली ये भी दीवार चुनाई हो गया, चुनाई हो गई, कलर पता नहीं बोली नहीं निकल रहा, इतना दुख है हमारे अंदर उसका कोई हिसाब नहीं। जिंदगी में कौन इधर इधर बोलिए का सबके पास दुख रहा है, एक आदमी के पास दुख नहीं क्या? फिर भी इतना कितना दुख, लेकिन फिर भी यूट्यूब में ब्याह करना अच्छा नहीं है, तो हमारे यूट्यूब फैमिली उसका गलत मतलब निकाल, कहीं खाली दुख खबरी, इतना खुश है फिर भी दुख खबरी सुना रहे है। दुख लेकिन दुख तो भगवान से बांटा जाता है, शेयर किया जाता है, वही दुख दूर कर सकते हैं, और बाकी तो सुख दुख आना लगा रहता है, मैं तो कहता रहता हूँ। चलिए अभी अपने जो काम है इसको करते हैं, जो हमारा बच्चों का 2 तारीख को बर्थडे आने वाला है उसमें थोड़ा खुशियाँ मिल सके, और बाकी तो सब चलते रहता है, देखते हैं कब तक ये हो जाता है। मैं चढ़ा हूँ अभी अपना काम करने, इसमें जो मिट्टी थोड़ा सा कम पड़ गया था ना वहाँ से खोद के ले आके देख सकते हैं जैसे सूख रहा है कितना सुंदर कलर हो रहा है किचन का लुक। और शुक्रवार के दिन से यहाँ पे खाना बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज है, आज कौन सी दिन है नकांती जी? आज कौन सी दिन है? मैं टेंशन का मेरा भूल ही गया। हाँ तो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि इनके माझिल देवर का आज, हाँ मंगल, इनका माझिल देवर का ना वो जो हाथ आप लोग को बताए थे टूट गया था, तो वो हड्डी एक साथ बैठ नहीं रहा था, बहुत दर्द हो रहा था जैसे प्लास्टर करने के बाद। कितना बार हो गया जी हुआ था ये? तीसरा बार है ना, वही जो पट्टा बना था। तो दोस्तों दो बार तो बजे था यही दोस्तों, आपसे बता दूं अभी नगांती जी थोड़ा कुछ बिजी हैं और उनके समझ सकते हैं, क्योंकि जो तालमेल है घर का ना दोस्तों आप समझ सकते हैं। हमें तो बचपन से यही हमारे पिताजी हमारे मम्मी सिखाई हैं कि ना कभी किसी से बैर, आपके आप चार भाई हो एक बहन हो, लेकिन बहुत सारा बातें हैं दोस्तों जो आपको धीरे धीरे बताएंगे। आ सबसे पहले तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने जो भी सृष्टि में भगवान है, जिस धर्म का भगवान है, हर एक धर्म का भगवान को पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता हूँ मेरा भाई तुरंत स्वस्थ हो जाए, अपने हाथ उसका सही हो जाएगा, अपने परिवार के साथ खुश रहे। अब बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाइएगा कि मेरा भाई सही हो। जीवन में दर्द का क्या एहसास है, उसका जो भी गुस्सा था जो भी किया उसको भी एहसास हो गया, कल से रो रहा था कैसे कैसे भी करके, तो
उसको तो सजा का दंड समझ सकते हैं कि मिली गया, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो हड्डी है बिल्कुल अलग हो गया था, आ इसको डॉक्टर प्लास्टर करके कह रहे थे कि ये अपने आप यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, तब जाके पक्का प्लास्टर होगा। तो सोचिए दोस्तों ये कितना दर्द कर रहा होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को एहसास है कि ये कील हला था, तो मैं 15 दिन से सूखने वाला दवा और दर्द का दवा खा खा के फिर भी मैं बर्दाश्त करके मैं भी रोने से बच नहीं पाया कि इतना दर्द हो रहा है। तो मैं इस बात को एहसास करता हूँ कि मेरा भाई को कितना दर्द हो रहा होगा। तो भगवान सबको यहाँ पे एक समान करके भेजे हैं, बस अपना मन दिल साफ रखना चाहिए। किसी को बचपन में ही दुख मिलता है गलत काम करने का, किसी को बुढ़ापे में मिलता है, किसी को कभी किसी न किसी रूप में गलत काम करने का सज़ा मिलता ही, ये मैं आजमा लिया हूँ। आ कभी भी अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देने चाहिए। ये सब आप लोग का आशीर्वाद और आप हमारे बड़े बुजुर्गों का जो भी समझाए हैं उससे मैं सीख लिया हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा खुश हूँ। इतना सब हुआ आप लोग का आशीर्वाद से, हमारा घर जो भी हमारा आने जाने वाले देश गांव के लोग देखते हैं तो कितना तारीफ मिलता है हमें, बस इससे ज़्यादा खुशी क्या चाहिए। बस इतना ही है कि हमारा चारों भाई का घर परिवार बस गया, बस अपने जीवन में खुश रहे। थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है क्योंकि हर एक घर में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी अपने अच्छे कर्मों से भटकना नहीं चाहिए। कोई इंसान गलत नहीं होता है, वक्त और हालात ने मजबूर कर देता है गलत होने पे, तो सही हो जाएगा आदमी। और आज मैं जा नहीं पाया दोस्तों क्योंकि मेरे पैर में कील हला है, और मिथुन काजल और मेरी बड़ी भाभी और भैया गए हैं, और मम्मी और उसकी बाइक। तो आपसे बता दूँ वो जो भी होगा अपना फ़ोन पर बात करेंगे, और आज जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाता है तब तक मैं इस मंदिर को बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो हमारा पता ना आप यूट्यूब फैमिली क्यों हमें साथ नहीं दे रही है, मैं तो फिर कमज़ोर हो जाऊंगा क्योंकि हमारा व्यूज नहीं आता है, तो हमारा और भी मन भटकने लगता है कि आखिर क्या ऐसा गलती हो गया कि हमारा यूट्यूब फैमिली साथ छोड़ रही है, हमें और भी दूसरा काम करना चाहिए। बाकी ये पैर के वैसे नहीं तो मैं एक चैनल है ना गांधी जी का, उसी पर आप लोग साथ दीजिए, इस चैनल को बंद करते हैं और अपना जो भी काम वाम है कि दो पैसा, क्योंकि आज मैं मजबूर हो गया दोस्तों, रो रो के भाई बोला कि कहीं से भी पैसा भैया इकट्ठा करिए, मैं पूरा गांव में सूद ब्याज पे जोहने लगा। लेकिन फिर भी एक हमारा आदरणीय है यूट्यूब फैमिली से जुड़े, उन्होंने हेल्प किया कि आप ले लो अपने भाई का इलाज कराओ, जितना हो सके इतना आपको मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद आपके पास जब होगा तो दे देना। तो हम लोग इतना हेल्प किए हैं, और बाकी मिथुन को बोल दिए हैं कि जितना भी पैसा लगेगा उसको हम लोग मिलजुल के अपना समझ लेंगे, मेरे भाई को इलाज कराओ, क्योंकि हम चार भाई अनाथ हैं दोस्तों, पिताजी है ही नहीं, फिर भी हमारा फर्ज है। तो प्लीज़ आप लोग भी आशीर्वाद बनाइएगा, बस प्रार्थना थोड़ा सा भगवान जी से करिएगा हमारा भाई सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा आज की ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।